हरे कृष्ण सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। आज शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर हम आकर उपस्थित हुए हैं गोवर्धन के बिल्कुल निकट ही, इस स्थान का नाम है मुखरई गांव। ये मुखरई गांव जो है राधा जी की जो नानी लगती है मुखरा, उनका गांव है और यहीं पे राधा जी की बड़ी ही सुंदर बाल्य लीलाएं भी हुई है। जैसे बचपन में बच्चे क्या करते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं, तो ऐसे ही जो उनकी मैया है कीर्तिदा और कीर्तिदा की माता लगी मुखरा, तो राधा जी जब बिल्कुल छोटी अवस्था है उनकी जो बाल्य लीलाएं हैं तो उसमें कीर्तिदा उनको अपनी गोद में उठा के यहाँ पे लेके आती हैं और नानी उनको बहुत लाड़ प्यार करती हैं। और साथ में यहाँ पे उनकी बड़ी ही सुंदर किशोरी की भी लीलाएं हुई हैं क्योंकि गोवर्धन पास में ही है, गोवर्धन में ही राधा और कृष्ण का रास हुआ है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। तो आज उन सारी लीलाओं को श्रवण करते हैं। सबसे पहले इस गाँव का नाम मुखरई तीन कारण बताते हैं। पहला तो मुखरा जी का, क्योंकि ये उनकी नानी का, राधा जी की नानी जो है उनका गाँव है मुखरा, इस कारण से हो गया मुखरई। दूसरा कारण, एक बारी यहाँ पे कृष्ण के एक सखा है जिनका नाम था मुखर गोप, वो भी इसी गांव में रहते थे, उनके नाम से भी हुआ मुखरई। और एक तीसरा कारण बड़ा ही रसिक कारण है, जिसमें एक बारी कृष्ण राधा जी की श्रृंगार कर रहे हैं। कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं? एक बड़ी ही सुंदर लीला होती है जो ब्रज में, जिसको बोलते हैं वेणु गुंथन लीला, जिसमें कृष्ण राधा जी की वेणी बांधते हैं। अब जब वो राधा जी की श्रृंगार कर रहे हैं तो सखियां बोलती है, अरे ठाकुर जी ये तुम्हारे बस का नहीं है काम, ये तो सखियों का ही अधिकार है कि किस प्रकार से जूड़ा बांधा जाता है, किस प्रकार से केशों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण बोले, नहीं नहीं एक बारी तो मुझे कम से कम अवसर तो दो, करने तो दो। तो सखियां बोलती है, नहीं तुमसे नहीं होगा केशव, तुम्हें सुड़ना बाल बांधने आते हैं। तो कृष्ण कहते, नहीं एक बारी तो मैं प्रयास करूँगा। तो सारी सखियाँ जो है राधा जी के आसपास में खड़ी हो जाती हैं, मंजरियाँ खड़ी हो जाती हैं, हाथ में बहुत सारे अनेक अनेक रंग के पुष्प लेके, हाथ में एक एक डाली लेके, बड़ी ही सुंदर, जिसके अंदर किसी के अंदर गुलाबी पुष्प है तो किसी में सफ़ेद, किसी में नीले, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प हैं। तो वहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, तीन प्रकार के पुष्पों को लेते हैं और तीन प्रकार के पुष्पों को लेके ऐसा गुंथना शुरू करते हैं राधा जी के, जब वो केशों का श्रृंगार करते हैं उसमें इस प्रकार से उनकी वेणी गूंथते हैं कि वो जो पुष्प है उस पुष्प में कृष्ण नज़र आ रहा है। तीन अक्षर, तीन रंग के पुष्पों से उन्होंने क्या किया, पूरी वेणी में कृष्ण कृष्ण करके फूलों का श्रृंगार कर दिया। अब जो दर्पण होता है, दर्पण को मुकुर भी बोलते हैं, तो जब वो राधा जी को दर्पण दिखाते हैं कि देखो कैसे मैंने तुम्हारा श्रृंगार किया है, उसको देख के जब वो कृष्ण नाम देखती हैं अपनी वेणी में, कृष्ण नाम देखते ही वो राधा जी क्या करती है, एकदम से मानो मूर्छित हो जाती हैं। तो मुकुर, दर्पण का अर्थ है मुकुर। दूसरा, तो मुकुर में राधा जी को अपने ही सौंदर्य के उन्होंने दर्शन कराए राधा जी के, इसलिए भी एक नाम हुआ मुखरई। और एक कारण और, पास में ही राधा कुंड भी है। जब अरिष्टासुर का वध हुआ था, अरिष्टासुर का वध होने के बाद उसका शरीर यहीं पे आके गिरा और उसके जो आत्मा थी वो उसके मुख से निकली, आत्मा मुख से निकलने के कारण भी हो गया मुखरई। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि राधा जी की नानी का ये स्थान है, इसलिए ही इसको मुखरई बोलते हैं। तो यहाँ की बड़ी ही सुंदर राधा जी की जो बाल्य लीला है उसको श्रवण करते हैं। जब राधा जी यहाँ पे आती हैं और कीर्तिदा मैया उनको साथ में लेके आती हैं, अभी राधा जी बहुत छोटी हैं, बिल्कुल अभी उनका कुछ समय पहले ही जन्म हुआ है, अभी उनकी वयस साल दो साल ही हुई है। उतने में क्या होता है, जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे, मयूर, जितने भी और पक्षी हैं, शुक सारी, सब क्या करते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ पे गान करना शुरू करते हैं। तो राधा जी की निद्रा भंग होती है और राधा जी मैया को बोलती है, मैया मैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो कीर्ति मैया कहती है, अरे रात को किसी को भूख लगती है, अभी सो जाओ, अभी तो रात का समय है। तो बोलती है, नहीं मैया देखो बाहर मयूर की आवाज़ आ रही है, केका केका कर रहा है, शुक सारी के बड़े ही सुंदर संवाद हो रहा है, तो अभी सुबह हो गई है, भौर हो गई, आप उठ जाओ, मुर्गी भी कुंकू करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर मैया देखती है, अरे मेरी लाडली तो बड़ी समझदार हो गई है, इतनी कम उम्र में ही इसको पता है ब्रह्म मुहूर्त कब लगती है। फिर मैया उठ के, कीर्तिदा मैया उठ के यहाँ पे क्या करती हैं, राधा जी का दंत धावन कराती हैं, उसके बाद उनको कलेवा देती हैं जिसमें उनको वो बड़ा सुंदर मिश्री का दूध देती हैं और एक लड्डू देती हैं। तो राधा जी भी बिल्कुल छोटी सी है, बैठ के लड्डू खा रही हैं, मिश्री का दूध पी रही हैं। उतने में उनका भाई जाग जाता है श्रीधाम, और श्रीधाम देखता है कि राधा जी तो अकेले अकेले लड्डू खा रही हैं,
अरे मुझे भी लड्डू दो, मुझे भी लड्डू खाना है, और उनसे लड्डू छीनना शुरू करते हैं। तो राधा जी उनको लड्डू देती नहीं। उसके बाद राधा जी को बोलते हैं, अगर तुम मुझे लड्डू नहीं दोगे मैं जाके मैया को बोल दूंगा। और उसके बाद राधा जी के पास बड़ी सुंदर गुड़िया है। राधा जी यहाँ पे अपनी गुड़ियाओं के साथ जब छोटी अवस्था में यहाँ पे आती है नानी के पास रहने के लिए, अपनी गुड़ियाओं को लेके आती है और अपनी गुड़ियाओं को लाड प्यार करती हैं, गुड़ियाओं के साथ खेलती हैं। तो श्रीदाम बोलता है, मेरे को भी तुम्हारी एक गुड़िया दो, मैं भी तुम्हारी गुड़िया के साथ खेलूँगा। राधा जी मना करती हैं। फिर श्रीदाम जो है वो जाके मैया को बोलते हैं, तो मैया समझाती है, अरे ये तेरी छोटी बहन है, तेको इसका ध्यान रखना चाहिए, तेको इसके साथ लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे राधा जी की बड़ी सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार की बाल्य लीलाएँ हुई हैं। एक और बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। जब यहाँ पे राधा जी कीर्तिदा मैया के स्तन का दूध पान कर रही थी, तो कीर्तिदा मैया के स्तन का दूध पान करते करते कुछ दूध का अंश जो है वो गिर जाता है। कहाँ पर गिर जाता है? भूमि पर गिर जाता है। अब जैसे ही कुछ दूध का अंश भूमि पर गिरा, उस को एक कौवा था, एकदम कौवा आता है और उसको पान कर लेता है। और उसको देख के ब्रह्मा जी पछताते हैं, हाय मैं तो वंचित हो गया, काश मैं ही इस दूध के अंश को पान कर लेता। यहाँ पे राधा जी का उस बाल्य लीलाओं के सौभाग्य को देख के कि किस प्रकार से सारे ब्रजवासी जो हैं राधा जी सबको आनंद प्रदान कर रही हैं, क्योंकि राधा जी के जन्म होने के साथ साथ ही क्या हुआ, वृषभानु जी के यहाँ पे लक्ष्मी बढ़ने लगती है, गोधन बढ़ने लगता है। ब्रह्मा शिव जी अनेक अनेक देवता ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि अरे कैसा सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का, और अपने जन्म को कोसते हैं कि काश हमारा भी जन्म कभी किसी कल्प में इस ब्रज में हो पाए और हम भी इस सारी लीलाओं के साक्षी बन पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनेकों बाल्य लीलाएं हुई हैं। और एक बड़ी ही सुंदर लीला और, जब राधा जी ने अभी घुटमन घुटमन चलना शुरू किया, तो राधा जी आंगन के बाहर भी जाती हैं, तो कीर्ति मैया उनको डराती है, नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर हौवा है, हौवा। और हौवा जो है वो क्या करता है, हौवा जो है बच्चों को काट लेता है। तो राधा जी बहुत समझदार है, जब यशोदा मैया कृष्ण को डराती थी कि बाहर हाउ बिलाऊ है, तो कृष्ण डर जाते थे, लेकिन राधा जी बोलती हैं जाके कि मैं पिताजी को बोलूँगी घर जाके कि आप मुझे क्या करते हो, हौवा के नाम से डराते हो, मैं जानती हूँ कोई हौवा हौवा नहीं है यहाँ पर। तो आगे बड़ी ही सुंदर राधा जी की जो किशोरी लीलाएं हैं उसको श्रवण करते हैं। जो मुखरा जी हैं, जो ये मुखरा जी जानती हैं कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन होता है, और मुखरा जी क्या करती हैं, गुप्त रूप से राधा और कृष्ण का मिलन भी कराती हैं, और उस मिलन को करा के बड़ी ही आनंदित होती हैं। और कई बारी राधा जी को डांटती भी है, जैसे आज सुबह राधा जी के दर्शन करने के लिए मुखरा आई। जब मुखरा आई तो राधा जी, रात को क्या हुआ, रात को राधा जी का जो, राधा जी कौन से वस्त्र पहनती है, नील वसन परिधान, नील वस्त्र पहनती है, और कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी का अंग कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल सोने के समान है, तपता हुआ सोने के समान। तो राधा जी का जो अंग कांति है, उसी अंग के वस्त्र कृष्ण धारण करते हैं, और कृष्ण कैसे हैं, श्याम वर्ण है, तो राधा जी इसलिए नील वस्त्र, श्याम वस्त्र धारण करती हैं। लेकिन आज क्या हुआ, रात को कुंज में कृष्ण का जो पीताम्बर है वो राधा जी के पास चला गया, और राधा जी का जो नील वस्त्र है वो कृष्ण के पास आ गया। अब जब राधा जी सुबह घर पहुंचती हैं, सारी सखियां उनके संग में हैं, उतने में मुखरा दर्शन करने आती है। जब मुखरा आती है राधा जी से मिलने के लिए, तो देखती हैं, अरे ये क्या है, ये तो श्याम सुंदर का पीताम्बर राधा जी ने धारण किया हुआ है। तो उनको शक होता है, तो वहाँ पर वो बोलती है, अरे ये क्या किया तूने, ये श्याम सुंदर का पीताम्बर तेरे ऊपर कैसे आया। तो जो सखियां हैं वो बड़ी ही चतुर होती हैं, ललिता विशाखा बड़ी चतुर है, तो बोलती है, अरे बूढ़ी तेरी आंखें खराब हो गई है क्या, अच्छी तरह देख, इसने तो नील वस्त्र ही धारण किया हुआ है। सारी सखियां बोलती हैं, हाँ हाँ मुखरा देख, इसने तो नील वस्त्र धारण किया हुआ है, तुझे पीला क्यों नज़र आ रहा है। हाँ हाँ सामने जो किवाड़ खुला हुआ है, वहाँ से जो एकदम सुबह सुबह अरुण उदय की जो सूर्य की किरणें आ रही है, इसलिए तुझे ऐसे लग रहा है कि इसने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, इसका तो नीला ही है। तो इस प्रकार से कई बार जो सखियाँ हैं वो उनको वंचित भी कर देती हैं। तो मुखरा जी यहाँ पे बड़ी ही एक उनकी राधा कृष्ण के मिलन में बड़ा ही एक उनका अद्भुत उनकी वहाँ पे सेवा है। और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बजानी शिला है। जब राधा जी यहाँ पे बाल्यावस्था में आती थी, तो उस शिला को क्या है, वो शिला बाहर से तो शिला है, अंदर से वो खोखली है, इसलिए उसको बजाने से बड़ी ही सुंदर सुंदर ध्वनियाँ निकलती है। तो राधा जी यहाँ पे आके उसी बजानी शिला को बचपन में बजाया करती थी, और उसमें कीर्तन की और अनेक अनेक प्रकार की उससे ताल निकालती थी। तो आज भी वो बजानी शिला यहीं पे ही है, जिसको बजाने से अनेक प्रकार की अद्भुत ध्वनियाँ निकलती हैं। और यहाँ की एक किशोरी लीला,
राधा जी की। राधा जी को उनकी एक सखी है चित्रा। चित्रा ने एक बड़ा ही सुंदर सा चित्र बनाया। उन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर तीन चित्र बनाए। बाएं में एक चित्र बनाया जिसके अंदर राधा जी कलश से जल भर रही हैं और कृष्ण उसको देखते हुए बंसरी बजा रहे हैं। दूसरा, जिसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं और राधा जी उनको दर्शन कर रही हैं, उनके मुखारविंद का पान कर रही हैं। और तीसरा चित्र उसके बिल्कुल नीचे, जिसमें राधा और कृष्ण एक संग में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जैसे ही चित्र चित्रा जी ने बनाया और राधा जी उस चित्र को देखती है, उसको लेके एकदम से अपने हाथ से खींच लेती हैं और उसको निहारती रहती हैं। और उसको निहारते 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 उतने में क्या करती हैं, जब आसमान को देखती हैं, आसमान को देखती हैं तो आसमान में क्या है, मेघ ही मेघ है। चाई नवीन मेघ पाने, तू या बंधु पड़े माने, एलाई ए केश नाही बांधी। रोतम दास ठाकुर जी बड़ा ही सुंदर अपने कीर्तन में कहते हैं कि चाई नवीन मेघ पाने, तू या बंधु पड़े माने। हे बंधु, हे कृष्ण, जब मैं नवीन मेघ को देखती हूँ तो मेरे मन में तेरा ही स्मरण होता है और तेरा स्मरण होते ही मैं बिल्कुल तेरे भाव में डूब जाती हूँ कृष्ण कृष्ण। और चारों तरफ मेघ को देखते क्या किसका स्मरण होता है, कृष्ण का स्मरण होता है। एलाई ये केश नहीं बांधी, और उस स्मरण में मैं अपना केश बांधना भी भूल जाती हूँ। और सब जो ब्रज की जो अन्य गोपियाँ हैं फिर वो ताना देती है, अरे तू बिना केश बांधे बाहर क्यों आई है। तो वहाँ पे राधा जी जब उन नवीन मेघ को देखती है, नवीन मेघ को देखते ही उनको चारों तरफ कृष्ण 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 नज़र आने शुरू होते हैं और चित्र में भी तीन कृष्ण बने हुए हैं। तो राधा जी बोलती है, अरे ये कृष्ण तो कितना कपटी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, कितने कितने रूप लेके मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को सताता है। तो सारी सखियाँ हंसती हैं, बोलती हैं, अरे राधे जी, जब हम तुम्हें एक श्याम सुंदर के चक्कर में हम तेको नहीं संभाल पाती, तू पागल हो जाती है। अब तेको चारों तरफ ही अगर 10-10, 20-20 श्याम सुंदर नजर आएंगे तो हमारा सोच क्या होगा, हम कैसे तेको संभालेंगी। तो वहाँ पे राधा जी उस चित्र को देखते हुए बहुत प्रेम में डूबी हुई हैं। अब उतने में क्या होता है, कृष्ण वहीं पर इधर ही कुंज में आ जाते हैं। जब कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो सारी सखियाँ कृष्ण को देख रही हैं, लेकिन राधा जी किसको देख रही है, राधा जी के हाथ में चित्र है और वो चित्र को देख रही हैं। अब उतने में क्या होता है, सब सखियाँ हंसना शुरू होती हैं। अब बड़ी तेज की एक पवन बहता है, जैसे ही एक पवन का वेग आता है तो पवन का वेग आते ही, क्योंकि वो जो चित्र था वो कपड़े का था, वो मानो थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाता है, तो राधा जी के नेत्रों से एकदम से वो कृष्ण के जो चित्र के दर्शन थे वो लुप्त हो जाते हैं। अब सामने ही एकदम राधा जी फिर क्या देखती हैं, सामने ही राधा जी देखती हैं, सामने बहुत सारे तमाल वृक्ष हैं। अब तमाल वृक्ष को देखती हैं तो तमाल वृक्ष को ही देखना शुरू कर देती हैं कि अरे, तमाल वृक्ष को देख के भी राधा जी को किसका स्मरण होता है, कृष्ण का ही स्फूर्ति होती है। अब कृष्ण भी वहीं खड़े थे, जब कृष्ण वहाँ खड़े थे, जब पवन का वेग आया तो कृष्ण का जो पीताम्बर है वो उड़ के किसी तमाल वृक्ष के ऊपर चले जाता है। और राधा जी जब तमाल वृक्ष के दर्शन कर रही हैं, तमाल वृक्ष के दर्शन करते हुए सामने ही देखती हैं कृष्ण को भी। अब उनको यही नहीं पता चलता कि कौन कृष्ण है और कौन तमाल वृक्ष है, उनको चारों तरफ ही कृष्ण का ही दर्शन हो रहे हैं। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, ये प्रेम का सबसे चरम अवस्था है कि जहाँ जहाँ पे नेत्र पड़ते हैं वहीं वहीं पे क्या होता है, कृष्ण की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का था, चैतन्य महाप्रभु उसी राधा जी के भाव में स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूत्री, स्थावर और जंगम को देखने पर भी उनको स्थावर और जंगम के दर्शन नहीं होते। जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहीं अपने इष्ट कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो अब राधा जी उन सारे तमाल वृक्ष को देख रही है तो उनको कृष्ण नजर आ रहे हैं। अब उतने में ही कृष्ण, जिनका पीताम्बर उड़ के तमाल के ऊपर स्पर्श हो चुका है, तमाल वृक्ष पे जाके गिर गया है, कृष्ण वहाँ पे क्या करते हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं। तो राधा जी सोच में पड़ जाती है, अभी तो मैं एक चित्र देख रही थी, उस चित्र में क्या था, कृष्ण पुष्पों का चयन कर रहे थे और राधा जी उनको देख रही थी। और अभी वही दृश्य बिल्कुल सामने सामने होता है कि कृष्ण खड़े हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं और राधा जी उनको देख रही हैं, और राधा जी के हाथ में वही वाला चित्र भी है। तो राधा जी सोचती हैं कि अरे, अब राधा जी जिसको देख रही है और जो उनके हाथ में चित्र था, मानो एक ही चीज़ है, राधा जी अभी उनको देख रही है कि मैं चित्र को ही देख रही हूँ। राधा जी सोचती है, अभी तो इस चित्र में कृष्ण ने पीत वसन धारण किया हुआ था, पीताम्बर धारण किया, तो पीताम्बर कहाँ चला गया, क्योंकि उसमें जो चित्रा ने चित्र बनाया है उसमें पीत वसन धारण किया हुआ है कृष्ण ने, और राधा जी उनको देख रही हैं, कृष्ण पुष्प चयन कर रहे हैं। अब वही सीन सामने हो रहा है जिसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं, बिना पीताम्बर के पुष्पों का चयन कर रहे हैं। तो राधा जी उसको चित्र समझते ही देख समझ के जाके कृष्ण को स्पर्श करने के लिए जाती हैं और देखती हैं कि ये तो बिना पीताम्बर के कृष्ण और भी सुंदर नज़र आ रहे हैं।
और वहाँ पे जैसे ही कृष्ण के पास जाती हैं, कृष्ण भी उनको स्पर्श करते हैं, तो राधा जी एकदम से मूर्छित हो जाती हैं। और फिर सब सखी आके राधा जी के कान में कृष्ण नाम बोलती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर राधा जी की मूर्छा जो है वो दूर होती है। तो इस प्रकार से राधा जी का बड़ा ही सुंदर यहाँ पे अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। और एक और बड़ी ही अद्भुत लीला, यहीं से ही राधा जी क्या करती हैं, सूर्य पूजा के लिए जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ पे कृष्ण के साथ उनका मिलन होता है। आज जब राधा जी यहाँ से सूर्य पूजा के लिए गई, तो वापसी में राधा जी का जो कड़ा था वो गिर जाता है। और ये कड़ा कौन सा है, कड़ा वही है जो मुखरा ने इनको आज दिया था। अब जब राधा जी वापस आती हैं तो मुखरा देखती है मेरा कड़ा कहाँ है जो मैंने इसको दिया था, और राधा जी को फिर डांटती है वो कड़ा कहाँ है। और कृष्ण राधा जी के पीछे पीछे चल रहे होते हैं उनके दर्शन करने की इच्छा से, और मार्ग में जब वो कड़ा गिर जाता है तो कृष्ण उसको अपने पास ही संभाल के रख लेते हैं। तो राधा जी को जब मुखरा जी डांटती हैं कि तेरा कड़ा कहाँ है जो मैंने तेको दिया था, जा उसको लेके आ, तो राधा जी फिर वापस आती हैं उस सूर्यकुंड जाती है इसी मार्ग से और उस कड़े को ढूंढने के लिए। और साथ में थोड़ा भय भी है कि नहीं मिला तो मुखरा डांटेंगी। तो फिर उनको रास्ते में ही कृष्ण मिल जाते हैं और कृष्ण वो कड़ा देते हैं, और राधा जी बड़ी आनंदित होकर फिर वो कड़ा आके मुखरा को दे देती है कि हाँ ये लो मैया तेरा कड़ा जो तूने मुझे दिया था। और राधा जी का प्रेम किस प्रकार से है, ये धाम किस प्रकार से है, शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बोलते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तूने कभी जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, किसी भी जीवन में तेरी रुचि हमेशा पाप में ही लगी रही है, मेरी रुचि हमेशा पाप में लगी रही है, मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। भक्ति, अरे भक्ति होती क्या है, मुझे तो पता ही नहीं भक्ति किसको कहते हैं, मेरे अंदर तो लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। और साथ ही साथ में कपट, कपट का तो मैं शिरोमणि हूँ, कपट तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है। तो ऐसा जो मैं एक बद्ध जीव हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, हे प्यारे मेरे मन, मैं तेरे से एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, बस तू किसी प्रकार से इस ब्रज धाम में पहुँच जा। अगर तू इस ब्रज धाम में पहुंच गया तो मैं मानूंगा कि मेरा जो आगे का जो मेरा भविष्य है, मेरा भविष्य सुधर गया। क्यों? क्योंकि तू ब्रज धाम में पहुंच गया। ये ब्रज धाम जो है पूरा श्रीमती राधा रानी का धाम है। यहाँ पे पहुंचने के साथ साथ कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, राधा जी उस पर कृपा करती हैं और उसको कृपा करके कृष्ण प्रेम दान करती हैं। इसलिए अगर कोई ये संकल्प लेता है कि मैं ब्रज में रहूँगा, तो उस संकल्प को कहते हैं कि कोटि कोटि चिंतामणि प्राप्त होने से भी अधिक मूल्यवान ये संकल्प है जिसने ये संकल्प लिया मैं ब्रज में रहूँगा। अरे कोटि कोटि मुक्ति, उसको कोटि कोटि मुक्तियाँ मिल चुकी है, सम्यक रूपेण उसको भक्ति प्राप्त हो चुकी है, जो ये भाव लेके आया है कि मुझे ब्रज में ही रहना है। तो ये जो ब्रज भूमि है, राधा पद अंकित धाम वृंदावन जार नाम, ये जो पूरा का पूरा ब्रज धाम है राधा जी के चरणों से अंकित है। राधा जी का एक ऐसा प्रेम है जो कृष्ण को भी वश में कर लेती हैं, इसलिए राधिकाष्टकम में बोलते हैं, बल्लवेश सुनो सर्व वांछितार्थ साधिका, मय्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। फिर राधा रानी मुझे तो क्या करो, अपना दास्य पद प्रदान करो। और आप कैसी हो, बल्लवेश सुनो सर्व वांछितार्थ साधिका, आप ही हो जो राधा जी, जो आप कृष्ण की सारी वांछाओं को पूर्ण करती हो। कृष्ण की सारी वांछाओं को पूर्ण करने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी ही हैं। स्वविमर्श बल्लवीश काम ताप साधिका, मय्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। और श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का जो हृदय में जो ताप है, कृष्ण के हृदय में जो राधा से मिलने के लिए जो विरह का ताप है, जो काम का ताप है, उसको भी एकमात्र शांत कौन करती हैं, उसको भी श्रीमती राधा रानी ही करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी की ये बड़ी ही सुंदर यहाँ पे बाल्य और किशोरीमय लीलाएँ हैं। एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, यमुना सलीले आहराणे गिया भुजिबो युगल रस, प्रेम मुग्धाये पागलिनी प्राये गाइबो राधार यश। कि कब ऐसा होगा, यमुना सलीले आहराणे गिया, कि मैं यमुना के तट पे जाऊंगी और क्या करूंगी, वहां पे जाके कलश लेके जाऊंगी जल भरने के लिए। लेकिन जल भरने के लिए नहीं, वहाँ पे तो मैं अपने नेत्रों को और अपने हृदय को, अपनी इंद्रियों को कृष्ण और राधा जी के माधुर्य से भरने के लिए जाऊंगी। ये तो बहाना है जल भरने का। भुजी वो युगल रस, और वहाँ पे जाके मैं ये युगल रस को देखूंगी, और गाई वो राधा रियश, पागल यानी प्राय गाई वो राधा रियश, और पूरे ब्रज के अंदर घूमते हुए क्या करूँगी, राधा जी का ही यश का कीर्तन करूँगी। राधा जी का कैसा प्रेम है, राधा जी का जैसा प्रेम है, ऐसा प्रेम जो कृष्ण को भी अपने संपूर्ण वश में कर लेता है, जिस प्रेम को स्वाद करने के लिए स्वयं कृष्ण को भी
राधा जी के भावों को स्वीकार करके महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। बड़ा ही सुंदर शील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, क्व नंद कुल चंद्रमा क्व शिखी चंद्रकला कृति। उस विरे के अंदर, उस प्रेम के अंदर जहाँ पे राधा जी विलाप करते हुए बोलती है क्वा नंद कुल चंद्रमा, अरे नंद कुल का चंद्रमा कहाँ है, कहाँ है वो कृष्ण। क्वा शिखी चंद्र कला कृति, अरे कहाँ है वो जो अपने सर के ऊपर मोर मुकुट धारण करता है। क्व मंद्र मुरली रवा, अरे कहाँ है जो मुरली की बड़ी ही सुंदर तान बजाता है। और क्व नु सुरेंद्र नील द्युति, अरे वो नील कमल जैसा पुरुष वो कहाँ पे है। क्व रास रास तांडवा, अरे कहाँ है वो जिसने रास में मासा तांडव किया था, जिसने रास में मासा नृत्य किया था। क्वा सखी जीव रक्ष औषधि, हे सखी बता मेरी रक्षा कर, मेरी जीवन की औषधि कहाँ पे है। तो इस प्रकार से राधा जी का जो प्रेम है, इस स्थान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ब्रज की भाव की प्राप्ति हो। और यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा जी के तीन मंदिर हैं, ये है मुखरा जहाँ पे राधा जी की मैया कीर्तिदा, राधा जी बीच में, और फिर मुखरा उनकी नानी, उनके दर्शन हैं। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है बीच वाला, इसको बोलते हैं राधा जी के खिलौने का मंदिर। यहाँ पे गिरिराज शिला और राधा जी की वो बजानी शिला है जिसको राधा जी बजाया करती थी। उसके बाद जो सबसे पहला मंदिर आता है वो है बाके बिहारी जी का मंदिर, उसके बाद फिर ये बजानी शिला, और फिर राधा जी का, वो है सामने बाके बिहारी जी का मंदिर।